माइंडसेट बना लिया है कि हमने ऐसी ही क्रिकेट खेलनी, उन्होंने एक ब्रांड तैयार कर लिया है, टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में भी, टी20 वो स्ट्राइक रेट को हिट करते हैं, स्ट्राइक रेट को हिट, एवरेज को नहीं देख रहे, कोई इंडिविजुअल स्टार बनने की कोशिश नहीं कर रहा, पूरी टीम जीतने जा रही है और इंग्लैंड के लिए खेल, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं। इसलिए आप देखिए टेस्ट में भी मैं जो रूट का देख रहा हूँ, जो रूट को वो टी20 भी नहीं खिलाते, बिल्कुल 70 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है। इसका मतलब है कि उनका जो माइंडसेट बन गया पूरे इंग्लैंड टीम का तीनों फॉर्मेट में, वो है कि हमने स्ट्राइक रेट हाई रखना है, बड़ा स्कोर करना है चाहे सारे आउट हो जाएं, उनमें फेलियर का ज़रा डर नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे या हम हार जाएंगे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, एज है उनको। जो बेसबॉल की एक अप्रोच वो बार बार बात कर रहे हैं कि उन्होंने वो टेस्ट से शुरुआत की उस बेसबॉल की, मगर फिर वो आहिस्ता करके ट्रिकल इफेक्ट सब पे आया। हमने भी पाकिस्तान वे शुरू किया था, दो मैचेस में हमें पाकिस्तान वे दिखा, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ खिड़की से उड़ गया, उसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे। बट जहाँ बात हो रही है कि पिछला जो फाइनल है वो टाई हुआ था, सुपर ओवर पे गया था, सुपर ओवर टाई हुआ था और उसके बाद फिर बाउंड्रीज के ऊपर डिसीजन हुआ, उसके बाद से ICC ने ये डिसीजन लिया था जो कि अब इस वर्ल्ड कप पे अप्लाई होगा, वो ये चेंज है कि अब सुपर ओवर अगर टाई होगा तो सुपर ओवर होता रहेगा जब तक कि वो टाई खत्म नहीं होगा और एक विनिंग साइड हमारे सामने नहीं आ जाएगी। बिकॉज दैट वाज रियली अनफेयर लाला, कि एक टीम जो है वो सिर्फ अपनी बाउंड्रीज के नंबर ऑफ बाउंड्रीज पे जीती, कि मैंने कितनी बाउंड्रीज मारी थी तो उस पर जीती। सो वो तो अटैकिंग और नॉन अटैकिंग, जिस तरह हम न्यूजीलैंड को कहते थे साइलेंट किलर्स, वो आपको कभी नहीं थ्रेट ऐसे दिखेंगे कि नहीं जी वो दे आर रोरिंग, मगर वो कहीं ना कहीं खामोशी से करके सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाते हैं। बट इंग्लैंड एट द अदर हैंड दे हैव दैट, वो कहते हैं ना कि जैसे कोई गुंडा आया अंदर, वो वाला इंपैक्ट गुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरे मतलब गुंडा उनका वहाँ क्या बनना, इसलिए हाँ। जिस तरीके से जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंडसेट ही चेंज कर दी है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाई जान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। और जो न्यूजीलैंड की बात कर रही हैं आपके इधर उधर से होती सेमीफाइनल आ जाते हैं, हिस्ट्री देखें तो न्यूजीलैंड की इसी तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं, वो बिल्कुल सरप्राइज कर देती है उसको, नॉर्मली अब जाके कहीं रेट करते हैं, पहले बिल्कुल रेट नहीं किया जाता था, लेकिन यह है कि न्यूजीलैंड के ऐसे प्लेयर्स हैं जो पूरे गेम को चेंज कर देते हैं, वो भी उसी माइंडसेट के साथ ही, जिस तरह इंग्लैंड के प्लेयर्स खेलते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर भी उसी माइंडसेट के साथ ही आएंगे। उनके कोई बहुत ज्यादा पेसर, तगड़े पेसर नहीं है, लेकिन उन्हें अपना एरिया पता है कि हमने बॉल करना किधर है, मतलब उनको अपनी क्रिकेट की अवेयरनेस है, हर प्लेयर को इंडिविजुअल अपना होमवर्क करके ग्राउंड के अंदर आती है, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आते हैं। उनकी फील्डिंग अगर देखी जाए आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है, हमेशा से फील्डिंग न्यूजीलैंड की बहुत ही अच्छी रही है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा लाला, एक ऐड की जगह इसमें हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क, तो अब जो मुखालिफ टीम है वो इस उनकी जो अटैकिंग क्रिकेट है उसको किस तरह काउंटर कर सकती है, जिस तरह हम कहते हैं जहर को जहर मारता है, तो अटैकिंग क्रिकेट को अटैकिंग क्रिकेट ही मारेगी, तो इसी तरह ही हो सकता है। हाँ। आप देखते हो कि देखें अब प्लान के साथ जो टीम आती है, जैसे अगर बैट्समैन आता है, अब ये जिस सोच के साथ आते हैं ना, इन्हें इस सोच के साथ आते हैं, पता चल रहा था कि ये हर ओवर के अंदर इनको बाउंड्री जो है ना, तो बॉलर क्या करता होगा कि बॉलर थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है, फिर बॉलर जो है ना कि यार वो डरना शुरू हो जाता है, कि इसलिए कि वो अटैक कर रहा है, वो बचने की कोशिश करता है। हाँ, आपको भी फिर अटैक करना पड़ेगा अगर आपने बचना है वहाँ, तो फिर तो आप विकेट लेने जाएंगे। जो मुशी भाई कह रहे थे उस दिन भी कह रहे थे कि रन आएंगे इन पिचों पे, लेकिन साथ साथ में बॉलर रन देगा, लेकिन साथ साथ में आपको विकेटें भी लेनी पड़ेगी। अभी तक तो सन्नाटा है स्टेडियम में, जब हम बात करें तो यस अभी लोग नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना क्राउड आएगा। पहला मैच है लाला, क्या पता शायद पहले मैच की उसमें, और लोगों को टिकट्स मेजर जो बड़े बड़े हैं उसकी टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। एक ही वक्त में आ सकते हैं कि आज यहाँ पे हड़ताल होती, हड़ताल मतलब ये था कि ऑस्ट्रेलिया में, मुशी भाई आपको याद है जिस शहर में मैच होता था उस शहर में टीवी पे मैच नहीं दिखाते। हाँ। ताकि लोग जो है वो ग्राउंड में जाके मैच देखे। बिल्कुल, बट देयर इज समथिंग फिशी दैट द इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग, जिसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि अभी हम एक जाएंगे ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से तो हम बात कर रही है, करेंगे भी आगे, पैकेज भी दिखाएंगे आपको, पिच रिपोर्ट भी आप देख सकेंगे, टॉस भी देख सकेंगे, बट देयर इज समथिंग फिशी दैट द इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग, वो क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।